मजदूरों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अवसर पर मंगलवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा और उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरी चौकीदार यूनियन ने संयुक्त रूप से धरना दिया। मजदूरों के प्रमुख मांगों में निजीकरण के विरोध में, ठेकाकरण के विरोध में, सामान्य कार्य सामान्य वेतन की मांग को लेकर संविदा कर्मियों को राज कर्मचारी घोषित करने की मांग और पुलिस विभाग में कार्यरत ग्राम प्रहरी चौकीदारों को राज कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर धरना दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के प्रदेश सचिव राजेश सहानी और उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरी के प्रदेश संयोजक रमानंद पासवान ने कहा, आज पूरे देश में मजदूरों की राष्ट्रीय हड़ताल है। जिस तरह से सभी किसान संगठनों ने मिलकर दिल्ली में संसद मार्च किया था, आत्महत्या के खिलाफ किसानों के सवाल पर उनका अपना दृढ़ मूल्य करने पर, उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों ने हड़ताल किया है, निजीकरण के विरोध में, ठेकाकरण के विरोध में, समान काम पर समान वेतन की मांग को लेकर के, सभी संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर के, जो भी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, भवन निर्माण मजदूर हैं, चौकीदार हैं, प्लम्बर हैं, जितने भी पेशेवर कार्य करने वाले मजदूर हैं, उन सबके लिए एक न्यूनतम वेतन मान की मांग को लेकर के आज राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल है। हमारा नाम है रामानंद पासवान, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। हम लोग चौकीदार हैं उत्तर प्रदेश के, और हमारा बैनर नाम है ग्रामीण चौकीदार यूनियन। इसमें सरकार जो है ग्राम प्रहरी कर दिया है, पहले चौकीदार थे हम लोग। और हम लोग का मांग ये है कि हम लोग ब्रिटिश हुकूमत उन्मूलन से देश हमारा गुलाम था, तब से हम लोग चौकीदारी करते हैं 1861 से, और आज 70 साल से ऊपर हम लोग का देश आज़ाद हुआ हो गया, लेकिन किसी सरकार ने इस चौकीदार पर कोई ध्यान नहीं दिया। मात्र इसमें हम लोग का 1500 रुपया मात्र मिलता है, और इस महंगाई के ज़माने में हम लोग 1500 रुपया में क्या खाएंगे, क्या पिलाएंगे। और सरकार ने अपना ये देती है कि लिखाइए पढ़ाइए बच्चों को, रोजगार दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। हम 1500 में हमारी चाय पीने की भी व्यवस्था नहीं है, तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, और क्या खेती अपना करेंगे, क्या अपने घर द्वार बनाएंगे। इसलिए पूरे प्रदेश के चौकीदार के संगठन की तरफ से हम लोग को जो ट्रेड यूनियन जो श्रम कानून में जो पास हुआ है मजदूरी एक दिन का, कम से कम उतना हमको मिलना चाहिए तब तक, नहीं तो हमारी मांग है राज कर्मचारी घोषित किया जाए।